सुभाष ठाकुर मेरा नाम है, मैं मुजफ्फरपुर बिहार से आया। कब से आपका ये आंदोलन चल रहा है? ये मैडम 2020 से ही चल रहा है, फर्स्ट वेव जब आया था कोविड का, उसके बाद से हम लोग प्रयासरत हैं कि सरकार हमें कोविड कम्पेंसेटरी है। लेकिन 2021 में उससे बड़ी वेव आई जिसने और ज्यादा नुकसान पहुंचाया छात्रों को, तो सरकार ने अलग अलग जगह रिलैक्सेशन दे दिया है। हम केवल यूपीएससी के छात्र ही अब तक राहत से अछूते हैं। तो हम लोगों ने ओल्ड राजेंद्र नगर में भी आंदोलन किया था, लेकिन पुलिस ने वहां से हमको हटा दिया। खैर, पुलिस के लोगों से हमारी कोई वो नहीं है, सारे पुलिस वाले हमारे साथ हैं, लेकिन जब इनकी भी अपनी ड्यूटी है, ऊपर से जब आला अधिकारियों का आदेश होगा उसको मानना है। तो आज हम लोग एक शांतिपूर्वक पैदल मार्च निकालने वाले थे यहाँ से मंडी हाउस से जंतर मंतर तक, लेकिन यहाँ गोल चक्कर के पास ही हम लोग को रोक दिया गया है। लेकिन हमको इससे कोई नाराजगी नहीं, नाराजगी हमारी सरकार से है, क्योंकि ये लोग भी सरकार के आदेश को ही मानने के लिए बाध्य है। सरकार से नाराजगी है कि 2020 से हम लोग लगातार 200 प्रोटेस्ट कर चुके हैं इसके लिए, लेकिन सरकार हमारी बात नहीं सुन रही है। इसलिए नहीं सुन रही है कि अभी हम लोग शांतिपूर्वक तरीके ही अपना रहे हैं। ये सरकार हो हल्ला की भाषा समझती है। अग्निवीरों ने उत्पात मचाया, ट्रेनों को जलाया, सरकार 2 दिन में घुटने पर आ गई। लेकिन हम चूंकि संविधान को पढ़े हैं, हम जानते हैं कि ये हमारी जो संपत्ति है, हमारे देश की संपत्ति, हमारी संपत्ति है। सरकार इसको कमजोरी के तौर पर लेती है। तो मैं सरकार को यहाँ से आगाह करना चाहता हूँ कि अब हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है। धैर्य की भी अपनी एक सीमा होती है। अगर किसी व्यक्ति के अंदर से डर खत्म